वेल अस्सलामुअलैकुम गाइज, मेरा नाम याफस है एंड ये जो मेरे साथ बैठा है मेरा डॉग मैक्स मैक्स दी एनिक मैनी एक एंड ये KCII रजिस्टर्ड डॉग है एंड ये 2016 के एंडिंग दिसंबर 2016 में मैंने परचेज़ किया था एंड 2017 जन में मेरे पास आया एंड सिंस देन ही इज़ विद मी एंड लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, ये ऑलमोस्ट 4.5 साल का है अभी एंड ये इंडियन चैम्पियन है एंड अभी तक 7 बार बेस्ट ऑफ ब्रीड टाइटल जीत चुका है, 8 बार V1 टाइटल जीत चुका है फॉरेन जज के सामने। तो मैं आगे जाके वीडियो में आपको समझाता हूँ ये टाइटल्स क्या है बेसिकली, बिकॉज कश्मीर में मैक्सिमम डॉग स्पोर्ट्स से किसी की वाकफियत उतनी ज़्यादा नहीं है, है 2-3 लोग जिनको मालूम है बट मैक्सिमम वाकफियत अभी लोगों की इसके साथ नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे हमारे यहाँ होते नहीं हैं एंड मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ, करनगर एरिया से एंड इस वक्त मेरा ऑलमोस्ट 12 जर्मन शेफर्ड्स हैं एंड ही इज़ वन ऑफ माई मेन, जो आप प्राइम समझ सकते हैं। तो ये वो डॉग है, मेरा पहला डॉग है। इसका जो फादर है जेक रिपब्लिक, यूरोप में एक जगह है वहाँ से इम्पोर्ट हुआ था एंड ये ग्रैंडसन ने वर्ल्ड चैम्पियन रेमो वॉम फिस्टन स्लैग, तो काफ़ी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि हम उनके साथ हमारी वाकफियत नहीं है, हम अवेयर नहीं है। तो गाइज वर्ल्ड लेवल पे अगर आप गूगल में जाके हम सर्च कर सकते हैं BSZS, एक वर्ल्ड लेवल पे शो होता है इनका जर्मन शेफर्ड्स का, तो वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ऑल ओवर कॉन्टिनेंट्स डॉग्स आते हैं वहाँ पे उनका शो होता है। तो ये जो शो होता है मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये वो नहीं होता कि फायर के रिंग में से डॉग को पास होना है या कोई कर्तव्य करने हैं, बट ये एक ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से शो होते हैं, ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको कैलकुलेशन, इनकी प्रपोर्शंस, इनकी एनाटॉमी, इनका मूवमेंट वगैरह चेक होता है। तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर चुका है एंड इस वक्त हमारे लिए काफ़ी प्राइड की बात है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि ये अकेला जर्मन शेफर्ड है जो पहली बार यहाँ से शो हुआ है एंड जो पहली बार चैम्पियन डॉग बना है खासकर कश्मीर में, जम्मू में इससे पहले हुए हैं तो पहली बार जो कश्मीर में चैम्पियन डॉग है वो ये है जो चैम्पियन बना हुआ है एंड सिंस देन ही हैज़ बीन इन माई कैनल इन पंजाब एंड नाउ सिंस 2 मंथ्स ही इज़ बैक इन कश्मीर। वेल हाँ, मैं बेसिकली मेरे जो डॉग्स हैं मोस्टली तो पंजाब में मेरा फार्म है, खन्ना लुधियाना के आसपास एक जगह है वहाँ पे मेरा फार्म है, तो ज़्यादा करके मेरे डॉग्स वहीं होते हैं बट इक्का दुक्का डॉग्स मेरे यहाँ पे होते हैं। मेरा फ्रेंड है मनान शहजाद, उसके साथ में मेरी पार्टनरशिप है तो वहाँ पे उसके साथ में हमारे डॉग्स हैं, तो आधे डॉग्स मेरे पास रहते हैं आधे मनान के पास। मनान शहजाद दी एनिग्मैटिक्स कैनल। वेल जर्मन शेफर्ड का जो परसेप्शन यहाँ पे लोगों के पास है तो मैं वो क्लियर करूँ आपको कि शो डॉग, वर्किंग डॉग, ये जो सारे ये शोशेबाजी है, दो ही टाइप्स के डॉग्स होते हैं, एक शो डॉग एक वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास का डॉग हमारे लिए मेंटेन करना, हमारे लिए उसको यहाँ पे रखना वो काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने भी जब लाया था, मैं शो के लिए एज ए शो पर्पस नहीं लाया था, मैंने अपने लिए एज ए मेरा शौक था मैंने उसके लिए लाया था और थोड़ी बहुत घर पे नीड भी थी गार्डिंग के लिए तो मैंने उसके लिए लाया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक जो डेवलप हुआ बिकॉज जिस ब्रीडर से मैंने लिया तो मैंने उसके साथ टच में रह के देखा कि ये सारा एक बेसिकली एक गेम है, उसको डॉग स्पोर्ट्स प्रॉपर है, इनके शोज़ प्रॉपर होते हैं। KCII एक क्लब है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, जिसका मेन ऑफिस जो है चेन्नई में है एंड वो ऑल ओवर इंडिया हर किसी स्टेट में थ्रू क्लब्स एसोसिएट होते हैं। तो शेफर्ड में फिर शो क्वालिटी में एक लॉन्ग कोट आता है और एक स्टैंडर्ड कोट आता है। तो चूंकि हमारा वेदर यहाँ अच्छा है एंड ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लॉन्ग कोट ज़्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज इसमें ग्लैमर भी है और ये आराम से रहता है, इसको आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या नीड लेने की ज़रूरत नहीं। तो जर्मन शेफर्ड सबसे पहले एक डबल कोट ब्रीड है, डबल कोट मतलब इनका एक इनर कोट होता है और एक आउटर कोट होता है, तो उसका कोट लेंथ के साथ नहीं, कोट डेंसिटी के साथ उसका रिलेशन होता है। तो ये एक डबल कोट ब्रीड है एंड ओवर द टॉप, ओवर द उसके ऊपर से ये एक लॉन्ग कोट है, ये वाला डॉग प्लस ब्लैक मास्क है।
लॉन्ग कोट की आप देख सकते हैं पिक्स में भी आप देखेंगे कि इसकी जो बाल हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे ऑल ओवर द बॉडी, ये नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, ऑल ओवर द बॉडी। बट लॉन्ग साथ एक जर्मन शेफर्ड पहले प्रॉपर डबल कोट होना चाहिए, तभी जाके वो क्वालिफाई कर सकता है एज प्रॉपर लॉन्ग कोट डॉग एंड तब जाके वो शो में एंट्री कर सकता है। हाँ, वेल जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया KCI एक क्लब है, तो इसके एक मतलब इसकी छोटी छोटी कहते हैं सब्सिडरीज जिसको कह सकते हैं क्लब्स हैं हमारे, चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में अभी उस लेवल पे नहीं है डॉग गेम उतना, डॉग स्पोर्ट्स उतना प्रेफरेबल नहीं है, तो पंजाब में हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक क्लब होता है, तो वो क्लब्स जो है अपना शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं थ्रू KCI की मतलब उनके साथ कोलैबोरेशन करके, उनके साथ कोलैब में मिलके शोज़ वो डॉग रजिस्टर करते हैं प्रॉपर। आपको अगर ये डॉग सर्च करना है, इसकी आपको ऑलमोस्ट 7, 8, 10 जनरेशन तक इसका फादर कौन था, इसके फादर का फादर कौन था, फादर के फादर का कौन था, मदर कौन थी, सारा कुछ आपको पता चलेगा। एक प्रॉपर उसका ब्लड ग्रुप, ब्लड लाइन, सारा कुछ पता चलता है, जो ब्रीडिंग में आगे जाके काम भी आता है एंड उससे बाकी ज़्यादा जो इम्प्योरिटी है ब्रीड में वो ख़त्म हो जाती है, उसलिए क्लब ज़रूरी होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। तो इंडिया में अब काफ़ी टाइम से शोज़ हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 200 ईयर पुराना क्लब है हमारा KCI, काफ़ी पुराना क्लब। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी ब्रीड्स आज के टाइम पे मैं कहूँगा इंडिया में मिल सकती हैं जो नेटिव नहीं है, जैसे जर्मन शेफर्ड नेटिव ब्रीड नहीं है, वैसे ही बाकी सारी ब्रीड्स हैं जो डिज़ाइनर ब्रीड्स हैं, नेपोलियन मास्टिफ हो गया या केन कोर्सो हो गया, काफ़ी ज़्यादा ब्रीड्स हैं जो यहाँ पे अब आ चुकी हैं इंडिया में। तो वो यही है, जब डॉग शोज होते हैं एक स्पोर्ट्स हर कोई देखता है कि स्पोर्ट्स इवॉल्व हो रहा है, तो फिर लोग उनकी जो उसमें इंटरेस्ट है वो बढ़ते हैं और नई नई चीज़ें हर कोई लेके आता है। तो वैसे ही पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली साइड में, नॉर्थ में, ईस्ट में डॉग शोज़ होते हैं। डॉग शोज़ क्या होते हैं, दो टाइप के शोज होते हैं, एक ब्रीड स्टैंडर्ड स्पेसिफिक जिसको हम स्पेशलिटी शो कहते हैं, एक ऑल ब्रीड शो होता है जिसमें हर किसी तरीके की ब्रीड शो होती है। जो स्पेशलिटी शोज होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म की ब्रीड जो है वो शो होती है, सारे रिंग में जितने भी डॉग्स होते हैं वो सेम ब्रीड के होते हैं। उनमें हर किसी क्लास में पहले बाइफर्केशन होती है, पपीज़ की अलग क्लास होती है, जूनियर्स की अलग क्लास होती है, फिर इंटरमीडिएट क्लास होती है, उसके बाद ओपन क्लास आती है, तो उन सब में से मिला के फिर एक रिप्रेजेंटेटिव निकालते हैं जिसको बेस्ट ऑफ ब्रीड बोलते हैं। फिर ऐसे ही बेस्ट ऑफ ब्रीड में से एक डॉग निकालते हैं जो बेस्ट ऑफ ग्रुप निकालते हैं, जैसे ये आते हैं वर्किंग क्लास में पेस्टोरल ग्रुप में, वैसे आते हैं फिर बाकी जो ब्रीड्स हैं, जैसे हमारा हस्की हो गया या हमारा सेंट बर्नार्ड वगैरह हो गया, वो वर्किंग क्लास में नहीं आते, उनका अपना। तो उसमें से, उन सब में से फिर एक एक रिप्रेजेंटेटिव उठा के फिर बेस्ट इन शो निकालते हैं, ये हो गया ऑल ब्रीड। स्पेशलिटी शोज में अपनी एक क्लास है, इंटरमीडिएट क्लास है, उसमें से विनर निकालेंगे, उसको V1 टाइटल लेगा, तो वैसे ही ओपन क्लास में निकलेगा, V1 टाइटल मिलेगा। वैसे ही इसने 8 times V1 रह चुका है स्पेशलिटी शो में, जिसमें जज जो हैं फॉरन यूरोप से आए थे, FCI से रिलेटेड जज जो है वहाँ। पर्टेनिंग टू कश्मीर में यही कहूँगा, हर किसी को पहले हम उठा के हर कोई चीज़ लेके आते हैं। कश्मीर में मैंने देखा है किसी को किसी चीज़ का शौक हुआ वो उठा के लेके आएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा ब्रीड के बारे में समझना चाहिए कि इसका टेम्परमेंट कैसा है। सिर्फ लुकिंग के ऊपर आपने नहीं जाना, आप उसका टेम्परमेंट देखिए, क्योंकि हर ब्रीड, अगर आप प्योर ब्रीड लेके आ रहे हैं तो उसका टोटल अलग टेम्परमेंट होता है। तो अभी हाल ही में कुछ बूम उठा था, मैंने देखा कि हस्कीज़ की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, साइबेरियन हस्की, बट फिर मैंने देखा 1-2 महीने के बाद वो या तो एडॉप्शन हाउसेस में जाते या ऐसे आगे पीछे कहीं पे दे देते हैं, जो एक प्रॉब्लम हो जाता है एक पपी के लिए। क्यों? हस्कीज़ हाउल करते हैं, जो हमारे यहाँ पसंद नहीं करते, एल्डर्स भी पसंद नहीं करते, इनफैक्ट हम भी पसंद नहीं करते, वो हाउलिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो ब्रीड दे टेंड टू हाउल। ये भी हाउल करते हैं बट वंस इन अ ब्लू मून। तो सबसे पहले आप ब्रीड समझिए, टेम्परामेंट समझिए, कौन सी ब्रीड जो है बच्चों के साथ सही है, कौन सी ब्रीड जो है आपके लिए सही है, आपके घर के। हर किसी ब्रीड की एनर्जी लेवल अलग होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, उनकी एनर्जी ड्रेन करनी बहुत ज़रूरी होती है। शेफर्ड अडेप्टेबल ऑलमोस्ट हर जगह है, ये सबसे नई ब्रीड है, ऑलमोस्ट 70 या 80 ईयर की ब्रीड है, बट इनका जो अडेप्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे अमेरिकन जो पैरा फोर्सेस है, मिलिट्री फोर्सेस है, वो शेफर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज ये अडेप्ट काफ़ी जल्दी करते हैं। अब अगर आप कोई, जैसे मैं बताऊँ, बेल्जियन मेलिनोइस कोई लेके आता है,
तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अलग बंदा रखना है जो उसका टाइम टेबल सेट करके रखना है, जो उसकी एनर्जी ड्रेन कराता रहे, अदरवाइज़ वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अक्सर मैंने देखे हैं यहाँ पे लोगों को पता नहीं डॉग को रखना कैसे है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पालना कैसे है, और उस वजह से क्या हो जाता है, डॉग जो है एग्रेसिव हो जाता है। ये मेरा डॉग है, बच्चों के साथ भी रह सकते हैं, कभी एग्रेसिव नहीं होगा, बिकॉज ही इज प्रॉपरली मेंटेन, प्रॉपरली ट्रेन। वो मैं एक आप में भी एक परसेप्शन है कि जर्मन शेफर्ड जी गार्ड डॉग है, तो फिर ये सिर्फ एक गार्ड डॉग की हैसियत से इसको क्यों बुलाया जाता है, बट नो, ये वर्सटाइल ब्रीड है। इसको आप एज ए फैमिली मेम्बर भी रख सकते हैं, इसको आप इंडोर भी पाल सकते हैं और आउटडोर भी पाल सकते हैं। कुछ ब्रीड्स हैं जैसे प्योर यूरोपियन डोबरमैन होता है, जैसे आप उसको एज ए आउटडोर डॉग कभी नहीं रख सकते, रख सकते हो, रखने को आप कुछ भी कर सकते हो, बट वो मतलब इजीली अडेप्ट नहीं करेगा। क्यों? वो उनको कहते हैं वेलक्रो डॉग्स, वो काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं अपने ओनर के साथ में, और सिंगल हैंडेड डॉग होते हैं, तो उसको आप अलग कर सकते। जो शेफर्ड होता है इसको आप बाहर भी पालो, अंदर पालो, गार्डिंग के लिए सिखाओ, कंपेनियन बनाओ, थेरेपी डॉग रखो, सब कुछ कर लेगा, बट प्रोवाइडेड आप ट्रेन कर पाओ उसको। डॉग्स को जो फीडिंग है ये एक मतलब इवॉल्विंग टॉपिक है, इसमें हर वक्त नई नई जो रिसर्च है वो होती रहती है, बट मेरा जो मानना है, मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ, एक पप्पी को मैं फीड पे रखता हूँ टू मिनिमाइज इन्फेक्शंस या बाकी सब चीज़ें या रॉटन फूड। मैं फीड 5 या 6 मंथ तक फीड देता हूँ, कोई भी प्रीमियम फीड आप लीजिए, जैसे विनर प्लस मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, विनर प्लस है, फर्मीना है, NND है, एंड मेरा डॉग एक फीड है, वो यहाँ पे मिलती नहीं है, बेसिकली ये सारी फीडें नहीं मिलेंगी, तो रॉयल कैनाइन भी प्रेफरेबल है यहाँ के हिसाब से, यहाँ मार्केट में अवेलेबल है, बट इसमें प्रेफर कीजिएगा अगर मेड इन फ्रांस होगा। हाँ, मैं उसके बाद में हम आते हैं 6 महीने के बाद, मैं प्रेफर करता हूँ रॉ डाइट देना। रॉ में आप डॉग को चावल दे सकते हैं, आप कर्ड दे सकते हैं, बट दूध कभी नहीं देना। यहाँ अक्सर पपीज़ को मैंने देखा है रोटी के साथ दूध देते हैं, कच्चा दूध वो देना नहीं है, बिकॉज डॉग्स जो होते हैं मोस्टली डॉग्स लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो ये दूध जो है वो मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कर्ड दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, मतलब जो आप देखें काटन छाटन जो होती है या स्क्रीटिंग ऑर्गन जो होते हैं एक जानवर के, चाहे बेड के हो गए किसी के हो गए, वो हम दे सकते हैं, काटन छाटन जिसको बोलते हैं। मतलब गर्मी में आप मेजरमेंट भी बोल सकते हो, इतने बजे ये दे दो, क्योंकि यहाँ नहीं, डॉग 1 साल और 12 मंथ्स के ऊपर जब हो गया उसको एक टाइम फीड करना है आपने, 24 घंटे में एक टाइम फीड कीजिए। उसमें आप 200 ग्राम चावल डाल सकते हो, उसके साथ 200 ग्राम बॉइल्ड चिकन डाल सकते हो, चाहे आप चिकन मतलब मीट लाइए या चिकन का थोड़ा सा नेक्स वगैरह या उसके विंग्स वगैरह हो गए वो देख सकते हो। बोन सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि बोन कंटेंट ना जाए, कच्चा चिकन अगर दे रहे हैं, फ्रीज ड्राइड चिकन दे रहे हैं तो हम बोन दे सकते हैं, अगर आपने उसको बॉयल किया तो उसको आप बिल्कुल भी जो बोन है उसका वो नहीं देना है, क्योंकि वो इनको इफेक्ट करता है। तो चिकन हो गया, उसके साथ आप बॉयल्ड एग दे दीजिए, बस दैट इज़ ऑल, इतना रिक्वायरमेंट होता है एक एडल्ट डॉग का। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डॉग को आप प्रॉपर एक्सरसाइज दीजिए। देखिए हम भी समझते हैं, अभी पीछे लॉकडाउन हुए हैं, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन हुए हैं, तो हम भी महसूस करते हैं, हम एक कमरे में कहते हैं हम जेल 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 जेल, तो एक डॉग जब कंटिन्यू सिर्फ एक ही जगह रहेगा इसको भी वैसे ही प्रॉब्लम होती है, ये दे टेंड टू गेट डिस्ट्रक्टिव, तो इसको आपको अपने साथ सुबह शाम निकालना है। ज़्यादा कुछ नहीं, 15-20 मिनट का वॉक दीजिए, हफ्ते में 2-3 बार इसको किसी ओपन जगह पे, किसी पार्क में, एनक्लोज्ड पार्क में बॉल के साथ खिलाइए, थोड़ा सा एनर्जी ड्रेन करेगा, इनको सही महसूस होता है, और आपके साथ इसकी बॉन्डिंग होती है, तो इनका जो बॉन्डिंग अपने मालिक के साथ होता है वो स्ट्रांग हो जाता है उससे। वेल, डूज एंड डोंट्स, सबसे पहली बात, आप डॉग को पप्पी जब ले रहे हैं सबसे पहले आप प्योर ब्रीड पप्पी लीजिए, क्योंकि टेम्परामेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड आप देखिए, आपको ऐसा डॉग ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से किसी भी पेट शॉप पे नहीं मिलेगा, नॉट इवन इन JK ओनली, बट बाहर भी पेट शॉप्स अक्सर इस टाइप के डॉग्स नहीं। आप डायरेक्टली ब्रीडर के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, आप सर्च कीजिए थोड़ा सा, एक प्रॉपर पप्पी लीजिए, प्रॉपर लाइनेज का, KCI रजिस्टर्ड। सेकेंड थिंग, पप्पी को सोशलाइज कीजिए,
पप्पी सोशलाइज करना पप्पी एज में बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे जाके आपको कहीं किसी को देना ना पड़ जाए या कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, उसके बाद पप्पी को फूड अच्छा दीजिए, बिकॉज गेटिंग ए नाइस पप्पी फ्रॉम ए वेरी गुड ब्रीडर इज 50%। 50% इज कि आप उसको कैसा डेवलप करते हैं। तो इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी चाहिए हमें, एंड वैक्सीनेशन के साथ साथ इनका चेकअप 2 मंथ्स में एक बार आप कर लीजिए। हमारे पास बहुत अच्छे वेट्स हैं यहाँ पे माशाल्लाह, पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे वेट्स हैं, तो उनके साथ आप कंसर्न रहिए। एक वेट के साथ आप चलिए, उसको अपना डॉग पीरियोडिकली इंटरवल में, मतलब 2-2 महीने के बाद दिखाया कीजिए। तो ये डूज है, डोंट्स, डॉग को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए एक जगह पे, उसको चेंज मत कीजिए। आप बड़ा एक मतलब केज बनाइए, केज में रखिए, बट चेंज मत कीजिए डॉग को। एंड उसके बाद मैंने देखा है डायरेक्ट सनलाइट के नीचे यहाँ पर डॉग्स अक्सर रखे जाते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे भी आपने डॉग नहीं रखना है। प्रॉपर आप उसको डॉग को आप बचपन में गाड़ी में भी अपने साथ निकालिए, सो दैट उसको आदत रहे। अदरवाइज़ डॉग्स अक्सर वोमिट कर देते हैं गाड़ी में, जिनको गाड़ी में उधर इधर शिप करने की आदत नहीं रहती है। तो ये छोटे पॉइंट्स हैं, ये ऑलमोस्ट सबको पता ही है। ये आपने एक अच्छा टॉपिक बताया, समर में डॉग्स को, मैं जनरल जाऊंगा, स्पेसिफिक टू जर्मन शेफर्ड नहीं जाऊंगा। समर में आपने कोशिश करनी है डॉग को जितना आप कूल जगह पर रख सकते हो वहाँ पे रखिए, डायरेक्ट टिन शीट के नीचे मत रखिए, क्योंकि उसमें गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे और डायरेक्ट धूप के नीचे नहीं रखना हमने, थोड़ा ठंडी जगह, पेड़ के नीचे या कोई प्रॉपर जिसपे स्लैब डला हुआ हो उधर रखिए आप डॉग को। एंड पानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप पानी देते रहे डॉग को सर्दी में, ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। एंड विंटर्स में, विंटर हमारे यहाँ चूंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर, तो विंटर में आपने इंश्योर करना है कि ये डायरेक्ट हवा के नीचे ना रहें, जो फ्लो ऑफ विंड है उसके सामने ना रहे। प्रॉपरली वेंटिलेशन भी हो, ऐसा ना हो कि वेंटिलेट ना हो, वेंटिलेशन भी हो, बट डॉग को रूम टेम्परेचर मिले, 25-26 के आसपास आपको मेंटेन करके रखना है। तो दैट इज़ द बेस्ट टेम्परेचर फॉर पपीज एज वेल एज डॉग्स। बाकी जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट खासकर ये माइनस में भी रह लेता है, बट इंश्योर कीजिए कि मेन चीज़ जो है कि जो फ्लोर है साइड, अगर आप थोड़ा मतलब ठंडा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फ्लोर ठंडा नहीं होना चाहिए। अक्सर डॉग्स उसी में स्टोमक भी ख़राब हो जाता है, उनके डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ जाते हैं, फ्लोर ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं यही बताऊंगा कि आप सर्च कीजिए, अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर्च कीजिए कि आप डायरेक्टली ब्रीडर से लें, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे कोई जिसको हम बोलेंगे एक रजिस्टर्ड ब्रीडर या जिसको हम बोलेंगे एक प्रॉपर ब्रीडर इन टर्म्स, कोई नहीं है, तो वो सारे के सारे बाहर हैं। तो बेटर रहेगा कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल बाहर से एक अच्छा पपी लें, खुद जाइए कैनल पे, वहाँ से लें। हम खुद गए थे जब मैक्स लेना था, हम खुद दिल्ली गए थे, तो मैंने वहाँ से लाया। तो मैं भी आपको बताऊँ, मैं ब्रीडिंग नहीं करता हूँ कश्मीर में, मेरा कोई ब्रीडिंग फार्म नहीं है, बट मेरा एसोसिएशन है पंजाब में, उनके साथ पार्टनरशिप है। मैं मोस्टली इंक्लाइंड टूवर्ड्स शोइंग द डॉग्स, डॉग शोज की तरफ मेरा ज़्यादा पहल है, बिकॉज ब्रीडिंग एक अलग मामला है, उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए। तो मेरे भी जितने शेफर्ड्स हैं वो पंजाब में ही है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सेटअप है, खुली जगह है, वहाँ पे वो रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे लेबर पार्ट जो है वो अवेलेबल है, जो यहाँ पे आई डोंट गेस कि डॉग फार्म के लिए आपको लेबर मिल सकती है यहाँ। वेल हाँ, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बिना किसी को टच किए, किसी का नाम लिए बताऊं कि सिर्फ पपीज़ प्रोड्यूस करना घर पे, एक फीमेल से पपी लेना, दैट इज़ नॉट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एंड अगर हम देखें फ्रॉम मतलब काफ़ी टाइम पहले से यूरोप में एक काफ़ी बड़ा प्रोफेशन भी है, चाहे वो हॉर्सेस से रिलेटेड हो, बाकी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हो। तो ब्रीडिंग इज़ नॉट ईजी, इट इज़ बेसिकली वेरी टफ, इट्स प्रोफेशनल, इट्स साइंटिफिक। तो जस्ट एक मेल फीमेल लेके घर पे मतलब घर पे प्रोड्यूस करना पप्स, दैट्स नॉट ब्रीडिंग, दैट्स पपी मिलिंग। वो पपी मिल है, यहाँ पे मैंने सुना कि कुछ लोग कर रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेसिकली जेनेटिक्स।
एक डॉग और बिच को क्यों मेट करना चाहिए. सो इट्स नॉट ईजी कि किसी हर यू कैन नॉट ब्रीड एनी सॉर्ट ऑफ फीमेल विद एनी सॉर्ट ऑफ मेल. तो मैं भी इस बारे में थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, बट आई ब्रीड माई सेल्फ, यहाँ पे ब्रीडिंग हो नहीं सकती. तो वो पार्ट जो है मेरा पार्टनर पंजाब में वो संभालता है. तो मैं मोस्टली इंक्लाइंड डॉग शोज़ की तरफ हूँ. हाँ, आई कैन, कोई मेरे पास आता है उसको एडवाइज़ कर सकता हूँ, बट फॉर ब्रीडिंग यू नीड अ प्रॉपर सेटअप. आपके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. कैन नॉट ब्रीडिंग स्टॉक के लिए आपके पास प्रॉपर वैसा मतलब एक सेटअप चाहिए जिसमें उनको हीट जब चाहिए होती है, मतलब जब गर्मी चाहिए तो गर्मी का इंतज़ाम हो, जब सर्दी चाहिए तो सर्दी का इंतज़ाम हो. तो वो यहाँ पे किसी के पास है नहीं. किसी कमरे में उठा के बिच रखना और बच्चे निकालना, दैट्स नॉट ब्रीडिंग, दैट्स इलीगल ब्रीडिंग. एंड आई डोंट गेस कि वो एलो भी होनी चाहिए.